आज के टाइम पर मेकअप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आज की वुमेन के लिए ये है सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और एम्पावरमेंट का एक जरिया। और सोशल मीडिया और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर के बढ़ते ट्रेंड ने ही कॉस्मेटिक और मेकअप इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाकर रख दिया। लेकिन ये खूबसूरती और चमक से भरी इंडस्ट्री इतनी अच्छी भी नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। और आखिरकार क्यों इतनी बड़ी इंडस्ट्री मासूम बच्चों के खून पर खड़ी है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कॉस्मेटिक और मेकअप इंडस्ट्री के वो राज जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे छुपाती हैं, और आखिरकार कैसे हुई थी इस मेकअप इंडस्ट्री की शुरुआत। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेकअप के ओरिजिन के लिए हमें जाना होगा 70,000 साल पहले अफ्रीका में, जहां पर उस जमाने में रहने वाले केवमैन कलरफुल पत्थरों से पाउडर बनाकर अपने चेहरे और बॉडी पर अलग अलग जगहों पर लगाते थे, ताकि वो लोग दूसरे कबीले के लोगों से अलग दिख सके। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने 70,000 साल पुराने केव से शुरुआती दौर के मेकअप पिगमेंट ढूंढ निकाले, और ये पिगमेंट एक्चुअली में द रेड ऑशर पिगमेंट थे, जिसे एंशियन ह्यूमन अपनी बॉडी और दूसरे सामान पेंट करने में इस्तेमाल करते थे। पर भले ही उस टाइम पर एंशियन ह्यूमन इस मेकअप का इस्तेमाल एक दूसरे की पहचान के लिए करते थे, लेकिन इजिप्शियंस वो पहले लोग थे जिन्होंने मेकअप का इस्तेमाल खूबसूरती बढ़ाने के लिए और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया था। जी हाँ, एंशियन इजिप्शियन एलोवेरा, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल और लेवेंडर जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल 10,000 बीसी से भी पहले से कर रहे हैं अपनी स्किन को रेगिस्तान की गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एंशियन इजिप्शियन ही वो पहली सिविलाइजेशन थी जिन्होंने आई मेकअप का ट्रेंड शुरू किया था, जहां पर वो कोहल और गैलेना जैसे पिगमेंट का सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपनी आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और साथ ही इन इजिप्शियंस का मानना था कि ये आई मेकअप उन्हें इविल स्पिरिट से भी बचाता है। और यही नहीं, बल्कि एंशियन इजिप्शियन के बीच मेकअप का इस्तेमाल एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है, और इस सिविलाइजेशन के जेंट्स और लेडीज दोनों ही मेकअप किया करते थे। साल 3200 बीसी के आसपास इस मेकअप का चलन मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन तक बढ़ने लगा, और मेसोपोटेमिया के समेरियन सिविलाइजेशन के लोग वो पहली सिविलाइजेशन थी जिन्होंने लिप्स और चीक पर टिंट लगाना शुरू किया नेचुरल एक्सट्रैक्ट से, जो कि एक तरीके का शुरुआती फॉर्म था लिपस्टिक्स का। 3000 बीसी के आसपास चाइनीज लोगों ने अपने नेल्स पर पेंट लगाना शुरू किया था, जिसका ये मतलब है कि आज के टाइम पर फेमस नेल पेंट का चलन 3000 बीसी जितना पुराना है। इसी पीरियड के आसपास ग्रेशियंस, चाइनीज और जापानी सिविलाइजेशन के लोग के बीच अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने का चलन बढ़ने लगा, और ग्रेशियंस लेड और चौक पाउडर का इस्तेमाल करते थे फेस व्हाइट करने के लिए, और वहीं चाइनीज और जापानीज वुमेन राइस पाउडर का इस्तेमाल करती थी स्किन लाइट करने के लिए। जिसके बाद ये मेकअप का चलन वक्त के साथ साथ ग्रीस से रोमन एम्पायर और दूसरे देशों में बढ़ता चला गया। लेकिन साल 1936 के आसपास अरब सर्जन अबुल कासिम वो पहले इंसान थे जिसने पहली सॉलिड लिपस्टिक इन्वेंट करी, जो कि बिना किसी पेंट ब्रश के लगाई जा सकती थी। जिसके बाद साल 1770 में दुनिया की सबसे पुरानी कॉस्मेटिक ब्रांड यार्डले लंदन की शुरुआत हुई, और साल 1870 के आसपास पारिसन वायरलेन ने दुनिया की फर्स्ट मॉडर्न लिपस्टिक लॉन्च करी, और ये मॉडर्न लिपस्टिक्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल करी जाने लगी। इंडिया में भी मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है, और यहाँ पर मेहंदी को हेयर डाई और हाथों में लगाने का चलन भी काफी ज्यादा पुराना है। लेकिन फिर भी 20th सेंचुरी के टाइम पर इन बड़ी बड़ी फॉरेन कॉस्मेटिक ब्रांड की डिमांड इंडियंस के बीच भी बढ़ने लगी, पर इंडिया में बढ़ती फॉरेन कॉस्मेटिक ब्रांड की डिमांड से एक आदमी खुश नहीं था। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि फॉरेन कॉस्मेटिक ब्रांड की बिक्री इंडिया में ज्यादा होने की वजह से उसका इफेक्ट इंडिया के फॉरेन रिजर्व पर पड़ रहा था। इसलिए नेहरू जी ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी जेआरडी टाटा से मदद मांगी। जेआरडी टाटा ने इस समस्या से निपटने के लिए इंडिया की पहली कॉस्मेटिक कंपनी लैक्मे की शुरुआत करी। जी हाँ, पूरी दुनिया में फेमस इंटरनेशनल लैक्मे ब्रांड एक्चुअली में इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। लैक्मे नाम की इंस्पिरेशन उन्हें मिली फ्रेंच ओपरा से, जिसका हिंदी में मतलब होता है लक्ष्मी। जिसके बाद साल 1952 में जाकर लैक्मे कंपनी की स्थापना की गई। उस टाइम पर लैक्मे कंपनी टाटा ऑयल मिल्स की सब्सिडरी कंपनी थी, और इसका ऑपरेशन मुंबई के पेडार रोड पे मौजूद एक छोटी सी जगह से किया गया, जहां पर लैक्मे ने इंडियन स्किन और क्लाइमेट को देखते हुए वुमेन्स के लिए एक से बढ़कर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और कुछ ही सालों के अंदर लैक्मे इंडिया की सबसे फेमस कंपनी बन गई।
भारत में कंपनी की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए साल 1998 में यूनिलीवर कंपनी ने लैक्मे को खरीद लिया, जिसके बाद जाकर इंडिया में स्टार्ट हुई ये कंपनी आज पूरी दुनिया में सबसे फेमस कंपनीज में से एक है। वहीं 19वीं सेंचुरी में द ग्रेट ब्रिटेन में मेकअप का चलन थोड़ा फीका पड़ने लगा, जब क्वीन विक्टोरिया ने मेकअप को वल्गर डिक्लेयर कर दिया और इस पीरियड में मेकअप को सेक्स वर्कर और प्रोस्टिट्यूट से जोड़ा जाने लगा, स्पेशली रेड लिपस्टिक और डार्क आईलाइनर को। और यहाँ तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, जो भी लेडीज लिपस्टिक लगाते पकड़ी गई उसे विचक्राफ्ट के चार्जेस में गिरफ्तार किया जाने लगा। लेकिन 1920s के पीरियड के बाद से मेकअप लोगों के बीच फिर से चलन में आ गया और लोग दोबारा से इसे वेल्थ और स्टेटस सिंबल मानने लगे, और जिसके बाद वक्त के साथ साथ एक से बढ़कर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लॉन्च होने लगे, जिसके साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नए नए रेवोल्यूशन आए। लेकिन 2010 के दशक के बाद से ही दुनिया में बढ़ते कॉस्मेटिक इन्फ्लुएंस और यूट्यूबर्स की वजह से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन किसी ने खूब कहा है कि एवरीथिंग ग्लिटर्स इज नॉट द गोल्ड, हर सुनहरी चीज सोना नहीं होती। इसी तरह चमक और ग्लैमर से भरी ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी चमकदार नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। जैसे कि हमें वीडियो की शुरुआत में पता चला कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस यहाँ तक 18 सेंचुरी तक लोग लेड पाउडर का इस्तेमाल करते थे अपनी स्किन को वाइट करने के लिए, लेकिन ये लेड एक्चुअली में एक काफी ज्यादा टॉक्सिक एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए। हाल ही में हुई एक रिसर्च में हमें ये पता लगा कि ये लेड हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होकर हमारी बॉडी को ही पॉइजन कर देता है और वुमेन्स में हाइपरटेंशन, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी प्रॉब्लम जैसे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। और सिर्फ यही नहीं, लेड की ज्यादा मात्रा बॉडी में किडनी और नर्वस सिस्टम दोनों को ही परमानेंटली डैमेज कर सकता है। और सालों पहले क्वीन एलिजाबेथ अपने स्मॉल पॉक्स के मार्क्स को छुपाने के लिए इसी व्हाइट लेड और विनेगर मेकअप का इस्तेमाल करती थी, और धीरे धीरे ये व्हाइट लेड मेकअप क्वीन विक्टोरिया को पॉइजन करता रहा, जो कि एक वजह बनी क्वीन एलिजाबेथ की मौत की। पर सिर्फ लेड ही नहीं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मौजूद पैराबेंस, सोडियम लॉरेट सल्फेट और फॉर्मलडिहाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली में स्किन कैंसर जैसे सिम्टम्स भी पैदा करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट माइका, जो इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में शाइन और ग्लिटर ऐड करने के काम आता है, और पूरी दुनिया की माइका की टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का 60% सिर्फ इंडिया के बिहार और झारखंड में मौजूद माइका बेल्ट में प्रोड्यूस होता है। पर परेशानी की बात तो यह है कि ज्यादातर इन माइका माइंस में काम करने वाले लेबर्स एक्चुअली में अंडर एज बच्चे होते हैं, और सबसे शर्मनाक चीज तो यह है कि दूसरों के चेहरों पर थोड़ी सी चमक बढ़ाने के लिए ये बच्चे 50 रुपए से भी कम दाम में अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। चुनेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? यहाँ तक इन माइन के कोलैप्स होने से काफी बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हद से ज्यादा जल्दी बढ़ता ट्रेंड, एक बड़ी समस्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के काउंटरफीट होने के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एंट्री के बाद कंज्यूमर के बीच हर प्रोडक्ट को ट्राई करने की होड़ सी मच गई। पर ये सेलिब्रिटीज के कॉस्मेटिक हद से ज्यादा कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से हर एक कंज्यूमर इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर फेक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो सस्ते दामों में इन कॉस्मेटिक के चीप अल्टरनेटिव मार्केट में उतारते हैं, जो न केवल इन बड़े ब्रांड्स की ब्रांड इमेज को खराब करता है बल्कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूजर्स के लिए भी काफी डेंजरस साबित होते हैं। तो अब आप जान चुके हैं किस तरह ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी, एनवायरनमेंट और यहाँ तक खुद अपनी ब्रांड इमेज के लिए नुकसानदायक है। तो आप क्या सोचते हैं इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के बारे में, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।